मेरा नाम सुनीता नेगी है। इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों, जो मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध होती है लिंगड़ की सब्ज़ी, लेकिन लिंगड़ की सब्ज़ी कहाँ पाई जाती है और उसको उठाने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे उसके लिए देखना पड़ेगा वीडियो। दोस्तों शाम का वक्त है ये, अभी आसमान भी जो है ख़राब है आज, ये देखो बादल बादल सा है, इसलिए ना अभी ऐसा लग रहा है कि बस अंधेरा होने वाला है। तो लिंगड़ उठाने के लिए आई हूँ। तो आजकल जो हम जो मतलब सब्जी खाते हैं यही खाते हैं, जो लिंगड़ होता है, जो घर में उगते हैं हरी सब्जियाँ, जो मतलब नेचुरल होती है, जो जिसको बीजा भी नहीं जाता, खुद ही अपने आप जो उगी होती है नेचुरल, वही सब्जियाँ खाते हैं। मार्केट की सब्जी तो हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं आजकल, खासकर आजकल। और तो उन्हीं सब्जी में से एक सब्जी है लिंगड़, जिसको हम गिलौरी में बोलते हैं लिंगड़, वो उठाने के लिए मैं अभी आई हूँ। मतलब पहले भी मैंने वीडियो लगाया था, पहले जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, जो अभी नए जुड़े हुए हैं व्यूवर्स, उनको मैं दिखाती हूँ यहाँ लिंगड़ कहाँ होता है और किस तरह से होता है। ये देखिए दोस्तों, आजकल एक तो घास भी लंबा हो गया ना, इसलिए जो लिंगड़ है छोटा ही रह गया है। ये देखो, ये है लिंगड़, इस तरह से होता है ज़मीन पर। तो मैं आप लोगों को तोड़ते हुए भी दिखाऊँ भाई, अरे परे जो एक घास है आजकल बहुत लंबे हो गए घास भी। तो ये अक्सर हमेशा जो होता है ना नमी वाले एरिया में होता है। यहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ पानी भी, ये देखो पानी भी निकल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा नमी है यहाँ पे गीला, तो इसी के आसपास होते हैं। तो ये ज़मीन जो है पूरा यहाँ से ऊपर नमी वाला एरिया है। तो घास भी अभी लंबी हुई है, तो मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको तोड़ते हुए दिखाती हूँ आप लोगों को ना, ये देखो यहाँ से आराम से नीचे से तोड़ रही हूँ मैं, तो इतना लंबा तोड़। और ये इस तरह का भी बना हुआ है ना, ये इसको भी खा सकते हैं, तो ये भी मैं तोड़ूंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा चीज़ होता है जो नहीं खा सकते। ये देखो इसको भी हम खा सकते हैं, इस तरह का जो होता है। ये लिंगड़ के साथ हमेशा इस तरह का एक घास होता है, इस चीज़ को हम नहीं खाते हैं। मतलब ये जहाँ पर होगा वहाँ पर ज़रूर लिंगड़ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक दूसरा होता है, ये देखिए ये है तो घास, देखने में घास है, मतलब घास का काम ही आता है ये बाद में, लेकिन इसका जो सिर होता है ना यहाँ देखो इस तरह का, इसको हम खा सकते हैं। ये बहुत ही जो है यम्मी सब्जी बनता है ये वाला भी। तो थोड़ा मुझे सावधानी से चलना पड़ेगा यहाँ से ऊपर, क्योंकि घास भी लंबा है, क्योंकि ऐसे घास में ना सांप होने का डर भी होता है। ये देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने सांप का नाम ले लिया ना, और यहाँ पे हमारे सांप महाराज जो है हाजिर हो गए। देख के ऐसा डर लगता है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये देखो ये अपने रास्ते जा रहा है, मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, ये अपने रास्ते खुद ही खुद चला जाएगा, हे भगवान। ये देखिए दोस्तों, इस एरिया में मिलता है, बस सिर्फ खाली इसी एरिया में मिलता है, क्योंकि ये एरिया जो है ना दोस्तों यहाँ पर नमी वाला एरिया है। मेरे गांव में तो मुझे लगता है सिर्फ हमारे यहाँ पे ही मिलता है ये लिंगड़, तो घर भी दूर नहीं है, देखो घर नीचे है और यहीं पे हमारे को नेचुरल लिंगड़ उठाने को मिल रहा है। लालची पूरी बुलाए एक लिंगड़ के लिए मुझे इतना कितना मेहनत करना पड़ता है यार। ये देखो बिच्छू गुटी इससे लगी मेरे को हाथ में, थोड़े से मिले मुझे लिंगड़ ना। और एक दूसरा सब्जी है मैं इसके साथ मिक्स करने वाली हूँ लिंगड़ के साथ, वो सब्जी भी मैं अभी आप लोगों को उठाते हुए दिखाऊंगी। और ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो हम आजकल खाते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हम बाहर वाला चीज़ तो खेते नहीं है, सब्जी तो खेते नहीं है। जो भी खाते हैं हम घर में जो उगी हुई सब्जियाँ होती हैं नेचुरल, जो जिसको ना बीजा होता है, यहाँ पे भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो इसको हम बोलते हैं फाफड़ की नौरी में, इसको भी खा सकते हैं, इसका सिर से निकालना पड़ता है क्योंकि ये अभी कच्चा है, तो इसको हम खा सकते हैं। बाद में तो ये घास के काम आता है, लेकिन बट अभी कच्चा है, तो खट्टी खट्टी सी होती है और बहुत
यम्मी होती है। टमाटर टमाटर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसमें, बहुत टेस्टी होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं अभी सब्जी काटना है जो रात को मैं उठा के लाई थी लिंगर। तो अभी मॉर्निंग में मैं इन सब्जियों को काट रही हूँ दोस्तों, रात को मैंने उठा के रखी थी ना, और अभी मैं काट रही हूँ। ये 2-3 प्रकार की सब्जियाँ हैं जो मैंने उठा के रखी थी रात को ही। और ये बथुआ है, ये एक खरपतवार होता है दोस्तों, लेकिन हमारे भाभी जी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है ये, क्योंकि ना पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बेस्ट होता है। इसमें आयरन और कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में होती है। ये देखिए मेरी सब्जी कट चुकी है, तो ये मेरे पास थोड़ा सा जो लिंगर है मैं इसी को इसी में ऐड करती हूँ। हाँ जी, तो प्राइल और सीधी अभी उठ ही रहे हैं। कभी खाई है दोस्तों आप लोगों ने ऐसी सब्जी जिसमें मैं लिंगड़ भी लगा रही हूँ, बतुआ भी लगा रही हूँ और 2 प्रकार की हरी सब्जियाँ भी लगाया मैंने इसमें? नहीं खाई होगी, हमने भी नहीं खाई है। मैं भी आज तक अलग अलग ही बनाती थी, लिंगड़ की अलग बतुआ की अलग, लेकिन ये जो सब्जियाँ थी ना थोड़ी कम कम थी, तो इसीलिए मैंने जो है सबको मिक्स करके बना रही हूँ। और बता देना कमेंट करके कि आप लोगों को ये मेरा तरीका कैसा लगा। तो चलिए मैं पहले तड़के की करती हूँ तैयारी। सब्जी तो मेरा दोस्तों रेडी हो चुका है, अब मैं बना रही हूँ चपाती। और भैया भाभी और मम्मी जो है ना बाहर व्यस्त है काम में, और सिद्धि और प्रायल भी उठ चुके हैं, अभी देखो यहाँ पे बिस्किट खाने लगे हुए हैं। और इन दोनों को मुझे तैयार करके स्कूल के लिए भेजना भी है। भाई फटाफट जाओ, सपना दीदी आए नहीं आए भी आप दोनों जा सकते हो फटाफट से, है ना? अरे परे रास्ते में अरे परे नहीं देखना, ओके? हाँ नेल्स नहीं देखते बेटा, रोज रोज मंडे को देखते हैं सिर्फ नेल्स, है ना? ओके बाय, ओके बाय। ऐसे कैसे जा रहे हो, अच्छे से जाओ फटाफट से, बाय। तो चल पड़े हैं सिद्धि और प्राहिल, और मैं भी चलती हूँ, अब ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग भी। प्राहिल क्या देख रहा होगा, किसको देख रहे प्राहिल आप ऐसे छुप छुप के यहाँ पे? देखो तो आप ही ने क्या लगा दिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अपनी दीदी से, बड़ी दीदी मेरे से जो बड़ी दीदी है, तो वो अभी आए है। तो प्राहिल तभी देख रहा है छुप छुप के, बच्चे ऐसे होते हैं, हम भी ऐसे देते। ये है अंश भंडारी। अच्छा मम्मी ने यहाँ पे चाय चढ़ाई है मेहमान आने से पहले पहले, कहाँ चली गई ले? ये तो बड़ा स्मार्ट हो गया है, अब अंश बना रही है। अब ना नानी मेरे को सुनाएगी, एक बार इसको एक मम्मी ने क्या बोलती, जब रामपुर में था ना ये पढ़ता था, अभी तो आर्मी स्कूल में है, मम्मी ने इसको एक कमरे में बंद कर दिया, बाथरूम में, बाथरूम में, नहीं एक कमरे में किया था ना, खिड़की से बाहर निकला, खिड़की से बाहर निकला था अंश। अंश की कहानी सुना रही हूँ ना, तो अभी तो आर्मी स्कूल में है दक्षाई, प्लस वन में पहुंच गया, प्लस वन में। हमारी दीदी और जीजू भी आ रहे, जीजू थोड़ा लेट लतीफ है। बैठो नीचे, बैठो नीचे, कुछ तो लाया होगा, कुछ तो लाया होगा, ऐसे कैसे खाली आएंगे? कब आएंगे रंग, कब आएंगे? हम शू ही दो पाए रंग पाए लो दो बच्चे तो दे रहे हैं भाई, कुछ तो लाया है। मैम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, तेरा रंग बिछले सुंदर लामा चुगोरी बैठो अंशी।
तो चलो पहले मम्मी की बात सुनते हैं, क्या सुना रही मम्मी।